ਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਚਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਧਿੰਗ ਸਮਾਧੀਆਂ ਮੀ ਬਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਚਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਧਿੰਗ। योग अभ्यास यानी योगाभ्यास या योग आसन यानी योग का आसन जो जिस पे आप बैठते हैं, योग योगा योगे योगं योगानंग योगे ही योगे भी योगिस्मिंग योगेन योगे भी योगिस्मा योगिमा, ये सारे जितने भी नाम हैं ये पाली के नाम हैं जो योग से आते हैं। बेसिकली आज के समय में हम बच्चों को अगर कहते हैं कि दो का योग दो से करोगे तो क्या आएगा, तो कहते हैं दो में अगर दो का योग करेंगे तो चार हो गया। पाली में इसका मतलब भी लगभग ऐसा ही है। योग का मतलब होता है जोड़ना या लोक का योग का मतलब होता है संबंध, और इसको जोग भी बोलते हैं। पाली के अंदर दो शब्द चलते हैं, जोग भी और योग भी। तो योग या जोग बेसिकली है क्या पाली के समय बुद्ध के समय, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो धम्मपद नंबर 282 है 282 है उसमें योगा शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या है धम्मपद? योगा वे जायति भूरी अयोगा भूरी संख्यो एतंग दे धापतंग यत्वा भवाय विभवाय च तथा अत्तानंग निवेश्य यथा भूरी पैवड्डति। योगा वे जायति भूरी, योगा वे जायति भूरी यानी यहां जो शब्द सबसे पहले आता है योगा वे, योगा वे जायति भूरी, वे माने होता है वास्तव में निश्चित, जायति माने होता है उत्पन्न होता है, और भूरी माने होता है भूरी भूरी प्रशंसा सुनी होगी आपने, भूरी भूरी प्रशंसा यानी भूरी माने होता है प्रज्ञा यानी विजडम और बुद्धि, जिसको प्रज्ञा बोलते हैं, इसको यहाँ भूरी बोलते हैं। तो भूरी भी एक नाम है प्रज्ञा का विजडम का। तो क्या कहते हैं योगा वे जायति भूरी, यानी कि योगा यानी कि जो जोड़ है। अब इसमें जो योग है शब्द, ये पूरा शब्द क्या है? पूरा शब्द ये है कि आपने योग करना क्या है, योग जोड़ना क्या क्या चीज है, योग बेसिकली किस चीज का कर रहे हैं यहां। तो यहां जो योग चल रहा है और यहां जो योग कर रहे हैं वो कर रहे हैं तप और साधना का योग, यानी तप और साधना को जोड़ना है, तप और साधना का योग करना है। कैसे करना है? आपके जो अच्छे 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 कर्म हैं वो आपने जोड़ने हैं, उनका योग करना है। और अयोग किसका करना है? अयोग करना है जो आपके खराब 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 काम हैं उनको अयोग करना है, यानी कि अयोज या अयोग, तो उनको जोड़ना नहीं है, उनसे संबंध स्थापित नहीं करना। तो यहां योग का मतलब आसक्ति भी आता है, यानी कि आपको आसक्ति नहीं करनी है किससे, जो बुरे काम है, और आसक्ति करनी है किससे, जो अच्छे काम है, अच्छे कामों से आपको आसक्ति करनी है, वो जोड़ने हैं। तो अच्छे काम अगर आप जोड़ेंगे, खराब काम निकालेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका मन प्रसन्न होना शुरू हो जाएगा और आप धीरे 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 आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और आपकी जो जो प्रज्ञा है, जो आपकी संज्ञा है, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहां भगवान बुद्ध ने योग शब्द का प्रयोग किया हुआ है। दरअसल योग के मैं कुछ शब्द आपको बताता हूं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। योग माने होता है जोड़ना और संबंध, और योगक्षेम, योगक्षेम आपने देखा होगा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जो LIC आप कराते हैं उसके लोगों में दो हाथ और बीच में एक दिया है, अप्त दीपो भव वाला दिया है, और जो दो हाथ हैं, दो हाथ वो जोड़ के हैं और उसमें लिखा होता है योगक्षेम। तो वहां संस्कृत भाषा में योगक्षेम लिखा हुआ है, ये बेसिकली पाली भाषा का योगक्षेम है। खेम माने होता है शांति और योग माने होता है संबंध यानी जोड़ना, यानी कि शांति और सुख को एक तरह से सेफ्टी को जोड़ना, इसको सेफ्टी से भी बोलते हैं, शांति सुरक्षा यानी कि सेफ्टी। तो क्या आपने शांति और सुरक्षा जोड़नी है, ये वो लोगों कहता है कि आप उसमें पैसा डालेंगे तो आपकी शांति सुरक्षा बढ़ेगी। एक होता है योग युक्त, योग युक्त का मतलब योग युक्त युक्त बोलते हैं, युक्त पाली में बोलते हैं, यानी कि जोड़ सहित यानी जोड़ युक्त है, संबंध युक्त है। एक शब्द होता है योग अवचर, अवचर बोलते हैं जो चरता है चलता है मगर नीचे की उसकी स्थिति होती है, नीचे की स्थिति में चलने वाला, उसको योगी भी बोलते हैं, योगी भी बोलते हैं, जोगी भी बोलते हैं। एक शब्द बना हुआ है अयोग्य और योग्य, यानी योग योग्य है तो जोड़ने के लायक है और अयोग्य है तो जोड़ने के लायक नहीं है, संबंध स्थापित करने के लायक नहीं है। तो योग्य और अयोग्य शब्द
इसी योग से बना हुआ है। तो योजक, योजक जैसे कहते हैं ना, इतने योजन दूर है, योजक हो गया दूरी को नापने वाला, संबंध को नापने वाला, और योजन हो गया उसका माप हो गया, जैसे चार योजन दूर है, पांच योजन दूर है, योजक उसका मीटर हो गया। तो योजना जो शब्द है, योजना का मतलब है कि किसी लंबाई की प्लान बनाना, उसको योजना बोलते हैं। और भी सारे शब्द इससे बनते हैं। बेसिकली अगर हम शरीर के कोई एक्सरसाइज करते हैं, सांस की एक्सरसाइज करते हैं, या हम हाथ पर की एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको व्यायाम बोलते हैं, यानी कि शरीर का व्यायाम, उसको योग नहीं बोल सकते। योग का माने जोड़ना होता है। अब शरीर को आप जोड़ोगे कैसे, कैसे आप सांस को जोड़ोगे? भाई सांस तो रुक नहीं सकती, जुड़ नहीं सकती, घट नहीं सकती, वो तो आएगी आएगी, चलेगी चलेगी। ऐसे ही शरीर में अगर कोई आप एक्सरसाइज करोगे तो उससे कैसे जोड़ आपका जुड़ेगा? जोड़ तो पहले से जुड़ा हुआ है शरीर का, सारी हड्डियां जुड़ी हुई हैं। तो पाली में एक्सरसाइज को बोलते हैं वायामो, वायामो, और संस्कृत भाषा में बोलते हैं व्यायाम, यानी एक्सरसाइज को बोलते हैं वायामो या व्यायाम। तो इसलिए पाली में किसी भी हालत में योग का मतलब एक्सरसाइज से, या किसी भी हालत में व्यायाम से या वायामो से। जो जोड़ है यानी योग है, योग का मतलब होता है कि आप अपने कर्मों को, अच्छे कर्मों को योग करें, जोड़ें। तो एक तरह से जब हम कहते हैं कि योगा, योगे, योगेन, इसका मतलब है कि आप विपसना साधना करके जोड़ रहे हैं। बेसिकली आपने सुना होगा, बहुत पहले शब्द चलते थे कि किसी ने किसी को कहा कि जाओ तुम्हें शांति मिलेगी, योग करो। तो योग का मतलब है कि अपनी अच्छाइयों को जोड़ो, अपनी अच्छाइयों को संबंध करो स्थापित। तो योग करना, बहुत सारे जो पहले पद हैं, जितने जो पहले पद बने हैं, उनमें विपसना का नाम योग से दिया हुआ है, यानी वहां विपसना ना बोल के, साधना ना बोल के, तप ना बोल के योग कहा हुआ है। कई काव्यों में और कई कविताओं में कहते हैं कि जोगी जी ने कहा योग करो। दरअसल जोगी जी योग करने कह रहे हैं या जोगी जी योग करने कह रहे हैं, ये बहुत सारी भाषाओं में चलता है। कहते हैं जोगी जी योग करा दो, यानी जोगी जी योग करा दो का मतलब है कि जो योग कराने वाला है, जो विपसना साधना कराने वाला है, जो भिक्खु है, वो हमें विपसना साधना करा दे। तो ये पुरानी कहावतों में चलता है, योगी जी योग करा दो या जोगी जी योग करा दो, ये विपसना साधना का एक नाम है जो बहुत पुराना चलता है। इसका शरीर की एक्सरसाइज से या सांस की एक्सरसाइज से पाली के अंदर पुरानी भाषा में कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ हमें धम्मपद नंबर 282 से मिल सकता है। आप धम्मपद नंबर 282 में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से, या फेसबुक से, या मेरे पेज से, कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं। उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं, उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के, या ऐसा का ऐसा शेयर करके, या इसको आगे भेजकर, या इसका लिंक भेजकर, या इसमें से कोई भाषा बदल कर, या इसको प्रिंट कर, या इसको लोड कर, या डाउनलोड कर, या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर, या किसी को गिफ्ट कर, जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है, तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद।
इच्छामि। Shine.